उसके अंदर एक संकल्प सारे नेताओं ने लिया कि ये जो किसान आंदोलन है जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है और अब ये देश और किसान के मान सम्मान की लड़ाई है, चाहे हारे या जीते लेकिन एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक सांस है अपने मोर्चों पर डटे रहेंगे और सरकार को सुखाने का काम करेंगे, चाहे हमें कोई भी अंजाम से गुजरना पड़े। इसी के साथ कल जो फैसला हुआ आपने देखा, चाहे सिंधु वोटरों चाहे टिकरी वोटरों, यहाँ पर चैम्बर लगा दिए गए। पहले तो गोदी मीडिया ने हमारा प्रचार रोका और जो सोशल मीडिया पे हमारा प्रचार चल रहा था उसको रोकने के लिए भी चैम्बर लगाए गए, लेकिन कल घोषणा हुई कि जियो को पोर्ट करवाएंगे, रिलायंस का बहिष्कार करेंगे। और अब तक साथियों पूरे देश में आपके समर्थन में 50 लाख ग्राहकों ने जियो को पोर्ट करवा करके जियो का बहिष्कार कर दिया हमारे समर्थन में। आज की मैं आपको खबर बताऊं, हमारे सोनीपत के अंदर रिलायंस फ्रेश का जो स्टोर है उसके ऊपर भी किसानों ने कब्जा कर लिया और उसको बंद कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार क्यों नहीं झुक रही है, मोदी केवल चेहरा है। अडानी और अंबानी के ये कानून है, अब हम अडानी और अंबानी को उखाड़ने के लिए पूरा देश आपके समर्थन में खड़ा हो रहा है। और मैं आपसे भी, ये एक बहुत बड़ा अभियान है, आज यहाँ जितने बैठे कम से कम 5 लोगों को फोन करना जो जियो की सिम यूज करते हैं और उनको जियो छोड़ने के लिए आह्वान करना कि वो जियो को छोड़ करके किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद किसान।